Assalamu alaikum students, I am Ulfat Gulzar. Today we are going to discuss a topic from community health nursing, that is major health problems in India. So in this I am going to discuss with you what are the major health problems in India, what is the major disease burden in India. So we will discuss it in different parts, as it is a very this is a very detailed session. It includes different health problems. So we have distributed this topic in a different part. So today we will deal with the part first of the major health problems in India. So as we know, India has witnessed a huge progress in health status of its population since its independence. The transition has been seen in economic development, nutritional status, fertility, mortality rates, एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिजीज प्रोफाइल है चेंज कंसिडरेबली. इसका क्या मतलब है कि इंडिया में जैसे हमने देखा है कि इतनी डिकेड से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई हेल्थ स्टेटस. पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसके हेल्थ स्टेटस में बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो प्रोग्रेस किस चीज़ की हो, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रिलेटेड टू हेल्थ है. द ट्रांजिशन हैज़ बीन सीन इन इकोनॉमिक डेवलप. किस किस चीज़ में हमें ट्रांजिशन मतलब चेंज देखने को मिली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, न्यूट्रिशनल स्टेटस में, फर्टिलिटी में, मॉर्टिलिटी रेट्स में, डेथ रेट्स में चेंजेस आए, फर्टिलिटी रेट्स में, लोगों का इनकम सोर्स जो है, जो खाने पीने का स्टेटस है, उसमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली. द डिजीज प्रोफाइल हैज चेंज्ड कंसिडरेबली. अकॉर्डिंगली जब चेंजेस बाकी चीज़ों में आए तो डिजीज प्रोफाइल में भी चेंजेस देखी गई. Although great efforts have been done to control the communicable disease, but they still contribute significantly to disease burden of the country. बहुत ज़्यादा कोशिश भी अगर की गई, बहुत सारे efforts किए गए ताकि हम communicable disease को, पहले हम communicable disease की बात करेंगे, तो communicable disease को stop करने के लिए, उनको change करने के लिए बहुत कुछ किया गया, but they still contribute significantly to disease burden of the country. लेकिन still अभी भी हमारी country में कम्युनिकेबल डिजीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है. मींस कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हमारी कंट्री को बहुत लॉस है, बहुत बर्डन है. जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस, वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़. आप खुद देखिए कि हमारी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को कोरोना वायरस की वजह से कितना बर्डन है. डिक्लाइन इन डिसेबिलिटी एंड डेथ फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज हैज़ बीन एकम्पनीड बाय ग्रेजुअल शिफ्ट टू एंड एक्सेलरेटेड राइज इन प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो ग्रेजुअली डिक्लाइन देखा गया, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से डिसेबिलिटीज होती थी, डेथ्स होती थी डिजीज़ की वजह से, उनमें थोड़ा सा चेंज आ गया. मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ ख़त्म हो गई, बहुत सारी कंट्रोल भी हो गई, बहुत सारी इरेडिकेट भी हो गई. बहुत सारी डिजीज़ अभी भी है लेकिन उनका जो डिसेबिलिटी इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया है. एज़ कम्पेयर अगर हम देखेंगे आजकल के मॉडर्न ज़माने में, कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से डिसेबिलिटीज़ और मॉर्टिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स वो कम्युनिकेबल मीन्स जो स्प्रेड होती है एक दूसरे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स जो स्प्रेड नहीं होती है, छूने से नहीं फैलती, उसमें कोई मोड ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता है, जो नॉन कम्युनिकेबल होती है. तो देखा गया कि बर्डन जो ज़्यादा है आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, क्रॉनिक ओबस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो चेस्ट डिजीज़ है, कैंसर्स है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, इंजरीज, एक्सीडेंट्स वगैरह, उनका बर्डन और डिसेबिलिटी इनकी वजह से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कम्युनिकेबल डिजीज़. इंजरीज आर एट पर्टिकुलरली हाई रिस्क फॉर एक्सीडेंट, स्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी. जो हमारे इंडियंस, जब हम अपने इंडिया की बात करें, हमारे कंट्री में स्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी जो है, जो रिलेटेड टू आर्टरीज हार्ट डिजीज है, वो ज़्यादा देखी जाती है. जिसमें भी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम. उसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन में एक इंसान जेनेटिकली प्रेडिस्पोज हो जाता है डिफरेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में एंड एडवर्स चेंजेस इन कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन. ऑटोमेटिकली कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, हाई रिस्क बन जाते हैं. इन 2018 क्रॉनिक ओबस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट डिजीज. 2018 में देखा गया कि हार्ट डिजीज के बाद सबसे ज़्यादा वो डिजीज जिसकी वजह से ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई वो कौन सी डिजीज थी, क्रॉनिक ओबस्ट्रक्टिव पल्मोनरी मीन इसके चेस्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. द 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर इन नॉर्दर्न इंडिया विद मोर देन 140 मिलियन पीपल ब्रीथिंग एयर 10 टाइम्स आर मोर
वो आर द WHO सेफ रीमीन, कहते कि 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, जो दुनिया में सबसे 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज है वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न एरिया में। यहाँ पे 1 से 40 मिलियन से ज्यादा लोग जो हवा ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन वो कंज्यूम करे, वो WHO के हिसाब से सेफ नहीं है। इन 2017 पोल्यूशन लेवल फॉर सुकुलस्ट क्लोज फॉर सेवरल डेज एंड एयर पोल्यूशन किलर 1.24 मिलियन इंडियंस। हम देख सकते हैं कि 2017 में पोल्यूशन के इतना ज़्यादा लेवल बढ़ गए जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो गए। आपको याद होगा दिल्ली में भी बहुत सारे स्कूल्स वगैरह दिन में ही फॉग होता था, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत सारी डेथ भी हुई। तो दिस वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन कि हमारी कंट्री में बहुत सारी एडवांस डेवलपमेंट भी हुई। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन कम्युनिकेबल का बर्डन अगर हमने कम किया, वहाँ से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी ज़्यादा हो गई, जिनकी वजह से ज़्यादा बर्डन हो रहा है। So what are the now the major health problems of India? Major health problems usually there are 6 major health problems in India. Unke andar phir alag alag diseases aati hai, alag alag problems, lekin broadly classified into communicable disease problem, non communicable disease problem, environmental sanitation problems, medical care problems, population problem, nutritional problems. So hamare India mein mainly kya kya hai, communicable, non communicable, environmental related, मेडिकल केयर प्रॉब्लम, पॉपुलेशन रिलेटेड, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। सो वी विल डिस्कस दीज प्रॉब्लम वन बाई वन। सो टूडे वी विल डिस्कस वॉट आर द डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम इन इंडिया। कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहले हमारे कंट्री में मलेरिया, द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया केसेज फ्लक्चुएटेड बिटवीन 1.3 and 1.6 million पर ईयर फॉर द पास्ट 5 ईयर में, जो पहला दिखाता है कि बहुत ज़्यादा केसेस 1.3 मिलियन से 1.6 मिलियन पहुंच गया 2011 में। फिर ये 2011 में देखा गया कि 1.31 मिलियन रिपोर्टेड केस अब मलेरिया कंट्री में देखे गए। 95% पॉपुलेशन कंट्री में है, वो देखा जाता है कि वो इन एंडेमिक एरियाज में, मलेरिया एंडेमिक एरियाज में रहते हैं, मीन्स दे आर हाईली प्रोन टू गेट मलेरिया बिकॉज उनके जो एरियाज है वो हाईली कंजस्टेड है, जहाँ मलेरिया ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। And 80% of malaria reported in the country is confined to area consisting 20% of population residing in tribal, hilly, difficult and inaccessible areas. 20% population हमारी country के tribal जो है गुजर, मतलब पहाड़ों पे रहते हैं, inaccessible areas में जहाँ पे transport नहीं पहुँचता है, medical facility नहीं, वहाँ पे रहते हैं, तो they are more prone to get malaria. ये जो report है, एक specific document है, ए प्लान ऑन मलेरिया 2014 में, उसका एक रिपोर्ट है जिसके जिससे ये इंफॉर्मेशन। सो ट्यूबरक्लोसिस, सम 1.2 मिलियन न्यू केसेस, ट्यूबरक्लोसिस नेक्स्ट डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज जिसका बर्डन हमारी कंट्री में अभी भी है। सो सम 1.2 मिलियन न्यू केसेस एनुअली एंड 0.64 मिलियन केसेस न्यू सीमर पॉजिटिव, मतलब मैं आपको यहाँ पे इन सिंपली ये बताऊंगी कि देखा जाता है कि पॉजिटिव केसेस हमारी कंट्री में बढ़ रहे हैं। दो नोटिफिकेशन रेट के हिसाब से हमारे लाइक पॉपुलेशन नेशनल लेवल पे जो देखा गया वो कम है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हुआ है, बर्डन है हमारी कंट्री में, इसका बर्डन है। सो एज पर WHO एस्टिमेशन ट्यूबरक्लोसिस प्रेवलेंस इन 2012 इज 230 per 1 lakh, 1 लाख पॉपुलेशन में 230 केसेस देखे जाते हैं इंडिया में। इन एब्सोल्यूट नंबर्स प्रेवलेंस इज 28 lakh इन एनुअली, 28 लाख केसेस ट्यूबरक्लोसिस के हमारी कंट्री में डायग्नोज होते हैं। तो आप खुद सोचो कि उसकी वजह से कितनी मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, बीमारी की रेट, मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी जो ट्यूबरक्लोसिस 2.7 लाख एनुअली, अगर हम एनुअली देखेंगे उन 28 लाख में से 2.7 लाख की डेथ हो जाती है। तो आप खुद समझिए कि ट्यूबरक्लोसिस कितनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम हमारी कंट्री में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डहेरियल डिजीज, द सेकेंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन इंडियन पॉपुलेशन। हमारी इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट काज डेथ इन डहेरिया भी है। डहेरियल डिजीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 1 in every 10 चिल्ड्रन डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। जब बच्चा 5 साल का होता है, हर 10 बच्चे में से एक बच्चा मरता है, और उसका काज जब देखा जाता है तो वो काज होता है डहेरिया, ठीक है, विच हैज हाइस्ट रेट ऑफ इंसिडेंस इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस रेट डहेरिया की बच्चों में अंडर 5 तक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन इंडिया ओवर 4 लाख डेथ्स एनुअली आर ड्यू टू निमोनिया, अकाउंटिंग फॉर 13 to 16% ऑफ ऑल डेथ्स इन पीडियाट्रिक एडमिशन।
तो देखा गया कि इंडिया में 4 लाख डेथ एनुअली किसकी वजह से होती है, नमूनिया की वजह से होती है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे हॉस्पिटल एडमिशन्स कितने होते हैं, 100% हॉस्पिटल एडमिशन्स कितने होते हैं, 100 में से 13 to 16% ऑफ जो डेथ्स होती है वो किसकी वजह से होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्पेशली नमूनिया की वजह से, बच्चों में नमूनिया की वजह से। देयर आर सम 369,000 डेथ्स ड्यू टू नमूनिया एमंग चिल्ड्रन 1 to 59 मंथ्स। 1 to 59 मंथ तक एज में के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, डेथ रेट नमूनिया की बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया कि कितने डेथ। नेक्स्ट इज लेप्रेसी, इसको कोड बोलते हैं। तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन न्यू केस ऑफ लेप्रेसी। जो न्यू केस ऑफ लेप्रेसी वो कहाँ कहाँ पे देखे गए हैं इंडिया में। WHO है, अकॉर्डिंग टू WHO इंडिया अकाउंटेड फॉर 1,34,752 न्यू केस इन 2012। 2012 में इंडिया में 1,34,752 नए केसेस देखे गए हैं, जो वर्ल्ड वाइड में कितने हैं, 2,32,850। आप खुद देखिए उसमें से इंडिया में कितने हैं। इंडिया इज मोर देन 12 मिलियन पीपल लिविंग विद लेप्रेसी बिटवीन 1991 एंड 2007। 2007 तक बहुत ज़्यादा केसेस थे। नाउ इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द 16 कंट्रीज रैंक्ड वर्स्ट इन 2012 विद मोर देन 1,000 न्यू केस ऑफ लेप्रेसी। अदर कंट्रीज इन लेप्रेसी मॉन लिस्ट ब्राज़ील में है, इंडोनेशिया में, नाइजीरिया, लेकिन इंडिया भी जो रैंकड कंट्रीज है जिनमें बहुत ज़्यादा लेप्रेसी उनमें इंडिया भी काउंट होता है। सम 95% ऑफ ऑल न्यू लेप्रेसी केस आर कंसनट्रेटेड इन दीज 16 कंट्रीज वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट फॉर ऑनली 5%। पूरी दुनिया में सिर्फ 5% केसेस है, जो रेस्ट 95% वो इन कंट्रीज में जो मैंने इनमें मैंशन किया उनमें इंडिया भी टॉप रैंक पे है। फ्लेरेसिस, फ्लेरेस इज एंडेमिक इन 250 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया। जो फ्लेरेसिस है वो क्या है, वो एंडेमिक है, बहुत ज़्यादा हाई रेट है उसका, 250 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया। अबाउट 614 मिलियन पीपल इन इंडिया आर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो ये एक लिम्फेटिक डिजीज है, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस होता है, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये जो डिजीजें हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। नेक्स्ट इज एड्स। एड्स जैसे आपको पता है कि एड्स कितना है, हाँ इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हमें पता चल गए, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें पता चल गया है। तो मैं यहाँ पे आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये सब नहीं बोलूंगी क्योंकि आपको ये पे सब पता होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ कि मेजर डिजीज प्रॉब्लम कौन है, उनका इंसिडेंस कितना है, कितना बर्डन है। तो इंडिया हैज़ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV इन द वर्ल्ड विद 2.1 मिलियन इन्फेक्टेड केसेस। तो हमारे इंडिया में हमारी इंडिया की रैंक पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में थर्ड नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है। दिस अमाउंट्स टू अबाउट 4 out of 10 पीपल, मीन्स कि अगर 10 लोगों में से देखेंगे उनमें से 4 लोग ऐसे जो इन्फेक्टेड है विद द डेडली वायरस दिस एड्स वायरस। तो जो मैंने इसमें बाकी जो थाईलैंड विद मैन अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ पीपल विद HIV इन एशिया पैसिफिक। HIV ट्रीटमेंट कवरेज इज ऑनली 36% इन इंडिया। हमारे इंडिया में HIV जो कवरेज है उसका सिर्फ 30% है इंडिया में, जो रेस्ट है ऑलमोस्ट 70% 65% ये पॉपुलेशन को प्रॉपर कवरेज ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एट द एंड ऑफ 2013 मोर देन 7 लाख पीपल वर ऑन एंटीरेट्रोवायरल्स। 2013 में एक स्टडी हुई, एक रिपोर्ट दिया गया है, तो उसमें देखा गया है कि हमारी कंट्री में 7 लाख पीपल ऐसे जो किस पे है, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी पे है। द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल ऑन ट्रीटमेंट इन एनी सिंगल कंट्री। एक कंट्री में ये पूरी सेकंड लार्जेस्ट वो कंट्री है जहाँ पे इतने सारे लोग एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी पे है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द अदर प्रॉब्लम वन बाई वन एज पर द स्लाइड इज अवेलेबल विद मी। आई विल अपलोड द नेक्स्ट क्लास। तो मैं आपको इसके साथ ही सब कुछ एक ही क्लास, एक तो बोरिंग हो जाता है, दूसरा अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए पार्ट्स में डिवाइड करने से ये क्लासेस जल्दी अपलोड होते हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट. तो मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि मेजर हेल्थ, अगर आपको पूछेगा कि हमारी कंट्री में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप बोल सकते हो कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में बहुत सारी है. हमारी कंट्री ने एडवांसमेंट भी की है, बहुत सारे ट्रांजिशन डिजीज के हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट और बर्डन हमारी कंट्री पे अभी भी है. इवन दो उसमें बहुत सारी चीज़ें कम भी हो गई बर्डन, लेकिन है, दे आर प्रिवेलिंग उस पर. इकोनॉमिकली कंट्री को हमारी मॉर्टिलिटी, हमारी मॉर्बिडिटी रेट पे असर पड़ता है.